मैं एस आर सागर, ड्रीम इलेवन मैच प्रेडिक्शन में आप सबका स्वागत है। आज का जो आईपीएल का मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जो खेलेंगे सनराइजर हैदराबाद, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद अपनी कौन सी 11वां टीम लेके खेलेगी और उनका टीम प्लानिंग, ओपनिंग प्लानिंग और क्या क्या होगा, कौन क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते इस पूरा वीडियो को। मैच के बारे में बात करने से पहले थोड़ा कल का जो मैच था चेन्नई सुपर किंग के साथ दिल्ली कैपिटल्स, जो कि आप मैच देखे होंगे, मैच जैसे पहला अभी दो मैच चल रहा था, जैसे उस दिन चेन्नई का मैच हाई कॉन्टेस्ट था और वह पूरा रोमांचक मैच था। हम भी कल सोच रहे थे कि ऐसा मैच रहेगा। दिल्ली कैपिटल ने अच्छे बैटिंग किए, पृथ्वी शाह जो पहला मैच अपना अच्छे से खेल नहीं पाए थे, जो दूसरा मैच कल था अच्छा इनिंग्स बनाए, 64 रन बनाए और धवन भी अच्छे इनिंग्स के लिए स्टार्टअप अच्छा मिला। दिल्ली कैपिटल को 9-8 ओवर तक उन्हें अपना विकेट नहीं गवाए, आराम से मैच को आगे लेते गए और आखिर में पंत और आयन ने अच्छे मिलके एक अच्छे इनिंग्स खेले। पंत 37 रन बनाकर अपने टीम को 175 तक पहुंचा दिए, जो कि अच्छा खेलने वाला स्कोर बना लिए। तो चेन्नई का जो धोनी का सेना थे क्योंकि स्टार्टिंग में ही इतना स्लो चले, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छे खेल लेते मुरली विजय और वाटसन तो शायद मैच अलग होता, लेकिन बीच में मैच पूरा ठीक ठाक था। जब 3 विकेट चला गया था ठीक है, जब डुप्लेसिस ऐसे ही रहा, जो अगला मैच था चेन्नई का, जैसे डुप्लेसिस और जाडेजा और कौन था केदार यादव जो बीच में थे, शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे जो प्यारे धोनी जी को थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि मैच केदार यादव जो आ रहे वो थोड़ा बॉल वो सेकेंड ओवर थोड़ा बॉल ले टाइम ले रहे हैं। तो हमको क्या करना है, धोनी जी अगर थोड़ा जल्दी आ जाते तो और थोड़ा रोमांचक मैच हो जाता और चेन्नई शायद मैच जीत लेते और हम सब घर बैठ के माही का शॉट देख पाते, माही मार रहा था, लेकिन कल ऐसे हुआ नहीं। तो चलिए दोस्तों तो आज के मैच में बात करेंगे, नेक्स्ट मैच में धोनी अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, हमारा यही प्रार्थना है, हमारा यही प्रेडिक्शन है। तो आज का जो मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलेंगे सनराइजर हैदराबाद। दोनों टीम अपना पहला मैच आईपीएल का इस 2020 का हार चुके हैं, तो दोनों टीम अच्छे तैयारी करके आएंगे इस बार ये सेकंड मैच अपना जीतने के लिए। जो भी जीतेगा उसको तो 2 पॉइंट कन्फर्म मिलेगा, लेकिन दोनों के जो पहला अपने मैच आ रहे हैं, शायद सनराइजर हैदराबाद उतना डिसअपॉइंटेड नहीं होगी अपने हारने से, उन्हें अच्छे कोशिश की थी और मुझे लग रहा है कि कोलकाता अपनी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, मुझे ऐसे मेरा प्लानिंग है, क्योंकि जो आप पहले में देखोगे दिनेश कार्तिक कुछ ऐसे डिसीजन लिए, शायद डिसीजन थोड़ा चेंज करना चाहिए, कुछ नया प्लेयर को खिलाना चाहिए। तो दिनेश कार्तिक क्या प्लानिंग करेंगे ये तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज कोलकाता कुछ चेंजेस लेके जरूर उतरेगी। तो आज से पहले चलो दोस्तों पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में क्या क्या चेंज हो सकती है। तो पहले तो सुनील नारिन और शुभम गिल ओपनिंग करेंगे, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज है, अगर सुनील नारिन को बैठा, सुनील नारिन तो अच्छा अभी अच्छे बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे, बॉलिंग ऐसा कर रहे खमाना तो नहीं कर पाएंगे, एक टॉप क्लास बॉलिंग है, कल अच्छे बॉलिंग किए है, तो सुनील नारिन की जगह हम अगर टॉम बटम को बैटम को खिला देंगे तो अच्छा एक बैट्समैन मिल जाएगा, विकेट कीपर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर के पास। ऑप्शन सुनील नारिन के जगह हम खिला पाएंगे टॉम बटम को, शुभम गिल, शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक जो कि कैप्टन को खेलेंगे, नीतीश ना, एन मोर्गन, एंडर रसेल, उसके बाद आएंगे निखिल नायक जो कि एक अच्छा उसको अच्छा ओवर था, लेकिन अगले मैच में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, टाइम था 3-4 ओवर था अपने को दिखाने के लिए। निखिल नायक को मैं देख रहा हूँ 2 साल से उनको चांस मिल रहा है, 2-3 में ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन वो उतना जो एबिलिटी वो नहीं दिखा पा रहे। पैट कमिंस, और पैट कमिंस अगर हम चाहे तो इनको खिला सकते, लॉकी फर्ग्यूसन, नहीं तो अली खान जो अभी सीपीएल खेल के आए थे, सीपीएल खेल के आए हैं, शिवम माबी, संदीप वारियर की जगह हम परदेश कृष्णा, नहीं तो कमलेश नगरकोटी, बट अच्छा ऑप्शन है कमलेश नगरकोटी, 3 साल से एक आईपीएल नहीं खेले, आईपीएल सिलेक्शन हुए, इनको खिलाना चाहिए जो कि अच्छा पेसर है, और कुलदीप यादव। तो इनमें से हम तुमको बोल रहा हूँ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सुनील नारिन की जगह हम चाहे तो टॉम बटम को खेल सकते हैं, जो कि अच्छा बैट्समैन रहेगा, मिल जाएगा एक और विकेट कीपर मिल जाएगा। निखिल नायक जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे उनके जगह हम चाहे तो रिंकू सिंह, नहीं तो एक राहुल त्रिपाठी, आपको पता है राहुल त्रिपाठी एक अच्छा बैट्समैन है, उनको खिला सकते हैं दिनेश कार्तिक।
पैट कुमिंस की जगह लॉकी फर्गुसन अली खान, जो कि अली खान को खिलाना चाहिए। लॉकी फर्गुसन भी अच्छा मैच अभी अभी खेल के आए हैं, उनका मैच था। और लॉकी अली खान तो अभी अभी सीपीएल जीत के आए, उनका अच्छा जोश होगा, उनको खिलाना चाहिए। संदीप वारियर जो कि अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाए, तो उनके जगह चाहिए तो प्रदीश कृष्णा, नहीं तो कमलेश अंकरकोटी ऑप्शन है। और पैट कुमिंस वो तो अपना पूरा कोटा ही पार नहीं कर पाए, तो शायद उनके जगह लॉकी फर्गुसन नहीं तो अली खान अच्छा रहेगा। तो अगर बॉलिंग तो देखे तो अंडर रसल को आप भी अच्छे यूज कर सकते हैं दिनेश कार्तिक, लेकिन अंडर रसल इतना अच्छे यूज नहीं किए दिनेश कार्तिक उस दिन, अंडर रसल को बॉलिंग यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपका बॉलर हो गया कुलदीप यादव, पैट कुमिंस, शिवम माबी, अंडर रसल, और आगे कौन बात करेंगे, एक है नीतीश राणा भी बॉलिंग पकड़ सकते हैं। तो आपका हो गया छह बॉलर, तो आप कोई चाहे तो आप सुनील नायर की जगह एक अच्छे बैट्समैन खिला सकते हो, क्योंकि अंडर रसल भी बॉलिंग कर सकते हैं, नीतीश राणा भी स्पिनर डाल सकते हो, तो आपके पास अच्छे ऑप्शन है। तो आपके बॉलर हो गए अंडर रसल, पैट कुमिंस, शिवम माबी, संदीप वारियर, कुलदीप यादव, नीतीश राणा, छह बॉलर आपके ऑलरेडी हो गए। अगर आप ऐसे प्लानिंग लेके खेलेंगे, सुनील नारायण को बिठाकर अगर आप टर्म बटन खेलेंगे तो अच्छा एक बैटिंग लाइन रहेगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो ये था कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रेडिक्शन, ऐसे ही आज शायद उतर सकते हैं मैच, उतर सकते हैं दिनेश कार्तिक के ख्याल भी ऐसे हो अगर मेरा प्रेडिक्शन सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद, जो कैप्टन उनका है डेविड वार्नर, तो उनका भी शायद वही टीम प्लान रहेगा, लेकिन आप सबको पता होगा मिचेल मार्श जो कि इंजर्ड हुए थे, आखिर में बैटिंग आए थे और बैटिंग में भी इंजर्ड हुए, तो शायद वो तो आज नहीं खेलेंगे। उनके जगह हमारे विलियमसन, केन विलियमसन, वो उनको खिला सकते हैं, नहीं तो मोहम्मद नबी जो कि ऑलराउंडर मिल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में, जॉनी ब्रिस्टो और डेविड वार्नर तो ओपनिंग करेंगे, केन विलियमसन शायद खेल सकते हैं आज मिचेल मार्श की जगह, मनीष पांडे, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, प्रियम गौर जो कि अच्छे बैट्समैन है, इंडिया अंडर 19 के कैप्टन थे, रशीद खान का भी उस दिन बॉलिंग अच्छे नहीं था, आज शायद अच्छे कर दे, कुछ विकेट ले जाए, वंश कुमार, संदीप शर्मा, टी नटराजन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, केन विलियमसन को मिचेल मार्श की जगह, नहीं तो मोहम्मद नबी, और इतना ही। इस टीम में शायद आज इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, और दोनों जो टीम है आज दोनों टीम में ऐसे बैट्समैन है जो कि टीम को अपने नाम चेंज कर सकते हैं, कहीं भी टीम को बुला सकते हैं। रसल का मसल पहला मैच में नहीं चला, तो चाहे आज हमको रसल का पावर दिखने मिले और रसल मानिया हो जाए, तो मेरा आज मेरा ये प्रेडिक्शन है कि आज कुछ अच्छा खेल रहे, वन साइड मैच ना रहे, कंटेस्ट रहे, हम लास्ट तक होप लगाए कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, हमारा दिमाग यही चलता रहे। तो मेरा प्रेडिक्शन है आज भी जो भी टॉस जीतेगा वही पहले फील्डिंग चूज करेगा, क्योंकि चेज करना अच्छी बात है, लेकिन आप देख रहे दो तीन मैच चेज करने से नहीं हो पा रहे, बड़ा स्कोर करने से अगर आपको अच्छा स्टार्टअप नहीं मिल रहा सेकंड इनिंग्स में तो मैच आप हार जा रहे। तो यही सब प्लानिंग रहेगा, जो भी टच जीतेगा पहले अपना, क्योंकि दोनों टीम अपना पहला मैच हार चुकी है, तो जो भी पहले टच जीतेगा वो पहले फील्डिंग चार्ज करेगा, चेज करना चाहेगा। और स्कोर तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 180 से 200 रहे और घर बैठे हम उसका मजा ले और आईपीएल को मजा ले, यही मेरा प्रेडिक्शन है कि स्कोर अच्छा होना चाहिए और हम घर बैठ के हमको दोनों टीम का अच्छा स्कोर है और हम मजा ले और लास्ट में कोई एक जीते, अगर ऐसा लगा कि मैच वन साइड न हो और मैच बड़ा कंटेस्ट हो, मेरा यही प्रेडिक्शन है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपका कुछ प्रेडिक्शन है कि कौन सा टीम लेके आज उतरना चाहिए, अगर चाहे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।